हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और मैंने वीडियो में बताया था कि अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे डाउट्स पूछे हुए हैं, तो वन बाय वन मैं उसका आंसर दे देता हूँ। तो एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर हाई पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा हाई वोल्टेज, ठीक है। और एक बच्चे ने पूछा था कि सर वहां पर जो हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब में, उसमें लो प्रेशर कैसे होगा, ठीक है ना, या फिर हाइट इंक्रीज करने पे प्रेशर डिक्रीज क्यों होता है। तो बच्चों देखो, जैसा कि आपको पता है कि पी वी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज करोगे, हाइट इंक्रीज करने पर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी हाइट इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, एयर डिक्रीज करती है, एयर डिक्रीज करेगी तो एयर के नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ मोल डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। और जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करोगे प्रेशर डिक्रीज करता है, इसीलिए क्या होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है। क्या मेरी बात इससे रिलेट कर पा रहे हो आप लोग, ठीक है। नीचे एयर ज्यादा होगी तो मोल ज्यादा होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, हाइट पर जाओगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स एयर के कम होंगे तो प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। चलो मैं रफ करता हूँ, तो आप लोगों को डाउट्स क्लियर हो गए, बस दो ही डाउट पूछे गए थे मेनली। अब टॉपिक पर आते हैं हम लोग। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। क्यों उनकी थ्योरी फेल हो गई थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे जे थॉम्सन ने की थी। आई बात समझ आप लोगों को। अब जे जे थॉम्सन ने कैसे डिस्कवरी की थी वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। कैथोड रेस क्या होती है वो भी मैंने बताया था। अब देखो नेक्स्ट, जे जे थॉम्सन ने जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की वैसे ही क्या हो गया, एटम डिवाइड हो गया, यानी डाल्टन्स की थ्योरी फेल हो गई। तो डाल्टन्स की जैसे थ्योरी फेल हो गई तो जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तो वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हो गए। तो उन्होंने अपना खुद का एक मॉडल दे दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थॉम्सन एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। तो थॉम्सन ने क्या किया, अपना एक मॉडल दे दिया, ठीक है। अब इन्होंने मॉडल में बताया क्या, पहली बात तो ये एक थ्योरेटिकल मॉडल था। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना। उन्होंने क्या किया था, ZNS की स्क्रीन लगाई थी, फिर वहां पर क्या किया था, एक व्हील रख के उसको क्या किया था, रोटेट करवाया था, फिर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी जिससे चार्ज के बारे में पता चला था, फिर उन्होंने E by M का रेशियो निकाला था। ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने की थी, बट जब उन्होंने अपना मॉडल दिया तब उन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। ये क्या था, एक थ्योरेटिकल मॉडल था। अब उन्होंने मॉडल दिया कैसे, तो जे जे थॉम्सन ने ये बताया कि एटम्स, तो इन्होंने सोचा कि एटम्स तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। अब एटम्स के अंदर निगेटिव चार्ज की डिस्कवरी इन्होंने कर ली थी, इसका मतलब एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा। पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी नहीं हुई थी लेकिन उन्होंने गैस कर लिया कि हाँ उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, क्लियर है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये एटम है मान लो, ठीक है। अब एटम ओवरऑल होता है न्यूट्रल, अब इसके अंदर निगेटिव चार्ज की खोज इसने कर दी थी इन्होंने। तो उन्होंने बोला कि यहां पर क्या होगा, एटम्स के अंदर अब निगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा तभी तो न्यूट्रल होगा। तो बोला था इन्होंने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, देखो ये प्लस हो गया। तो थॉम्सन ने बोला कि पॉजिटिव, अगर निगेटिव चार्ज इसके अंदर है तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, और पॉजिटिव चार्ज इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगा जिससे एटम का स्ट्रक्चर कैसा हो जाए, स्टेबल हो जाए। लेकिन ये कौन सा मॉडल था, ये थ्योरेटिकल मॉडल था। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो उसका यही था। आगे मैं इसके ड्रॉबैक की भी बात करने वाला हूं, पहले आप मॉडल समझ लो। तो मतलब प्लस और माइनस चार्ज इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होंगे जैसे एटम का अरेंजमेंट क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। और उन्होंने यह बताया, इस मॉडल का नाम क्या दिया, प्लम पुडिंग मॉडल दिया, इसी का मॉडल दे दिया वाटरमेलन मॉडल दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने नाम दे दिया। ये आपको मॉडल समझ में आ रहा पहली बात, तो आप इसको बना लीजिए पहले। तो बच्चों देखो, जैसा कि मैंने आपको थॉम्सन एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया है उसी को आप थ्योरी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि थॉम्सन एटॉमिक मॉडल क्या, एक थ्योरेटिकल मॉडल था। तो उन्होंने गेस किया था कि एटम्स तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, अगर उसमें निगेटिव चार्ज की डिस्कवरी में अगर थॉम्सन ने कर लिया तो उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा जिससे ओवरऑल क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, ठीक है।
तो थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म शेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर और लेस यूनिफॉर्मली, ठीक है। और इस मॉडल का उन्होंने नाम क्या दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल हो गया, वाटरमेलन मॉडल हो गया और रेजिन मॉडल हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसके ड्रॉबैक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक क्या क्या थे। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक क्या क्या थे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था, इट इज थ्योरेटिकल मॉडल। तो जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन जब अपना एक मॉडल दिया तो उन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो ये क्या था, थ्योरेटिकल मॉडल था, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह नहीं रुका होता, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, मूव करता रहता है। जबकि इन्होंने क्या बताया था, इट इज ए स्टैटिक मॉडल, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो नहीं किया था, ठीक है ना। थर्ड ड्रॉबैक क्या था देखो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है तुम्हारा, एन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज दैट मास ऑफ एटम इज कंसीडर्ड। देखो थर्ड ड्रॉबैक बोल क्या रहा है, इन्होंने बोला कि एटम्स के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। अब बच्चों सोचो एटम का मास क्या होता है, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें पढ़ा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट में कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में है क्या, पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने गेस किया कि पॉजिटिव चार्ज तो है। अब इनके अकॉर्डिंग वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे एटम में, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एटम का मास पूरे एटम में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम्स का मास हर जगह पूरे एटम में क्या होता है, बराबर होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। एटम का मास कहाँ होता है, एटम के सेंटर में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियस के बारे में पता कैसे चला, तो इसके जस्ट बाद हम लोग क्या बताएंगे, पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इनका मॉडल फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दे दिया था। तो जैसे रदरफोर्ड का मॉडल आया मार्केट में, वैसे क्या हो गया, इनका मॉडल फेल हो गया, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एटम्स के अंदर हर जगह मास क्या होता है, सेम होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। एटम का मास कहाँ होता है, उसके सेंटर में होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। और देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी एटम स्टेबल क्यों है, इस चीज को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो अब क्या करो, आप जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट मॉडल के बारे में डिस्कस करता हूँ। और नेक्स्ट मॉडल क्या होगा, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है।